हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आपसे का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं दुल्हीपुर, और दुल्हीपुर ये सब जितने भी मकान दिखाई दे रहे हैं ये सब बहुत ही तेज़ी से टूटने वाले हैं दीपावली बाद, क्योंकि बहुत सारा टाइम इन लोगों को दिया गया लेकिन कोई भी अपना घर नहीं हटा पाया, नहीं स्थानांतरित कर पाया। देखिए, तो दुकानें हैं, मकान, सब कुछ हटेंगे। यहाँ तक देखिए काम हो गया है और दुल्हीपुर पीछे का काम नहीं हुआ था। तो ये सब देखिए काम फाइनल है फ्रेंड्स। तो दीपावली बाद एक्शन में आ जाएगी योगी जी की गवर्नमेंट। और ये है पूरा चंदासी का इलाका, इधर रोड देखिए फाइनल हो गया है, बन चुका है हर जगह। यहाँ पे काफ़ी धूल था इसी के वजह से चंदासी जाना जाता था, लेकिन आप सभी को बता दें कि चंदासी भी हटेगा। काफ़ी खुशी की लहर और खबर है, साइड साइड में भी रोड बन गया। चंदासी फोर लेंथ हो गया, पड़ाव फोर लेंथ हो गया, दुल्हीपुर बाकी है और मुगल शाह। तो देखिए फर्स्ट क्लास रोड पर तरोताजा हो गया है। चंदासी में लगभग 100 साल पुराना ये हनुमान जी का मंदिर है, जो कि फ्रेंड्स अभी तक नहीं हटा हुआ है। यहाँ देखिए रोड पर ही है और यहाँ पे आसपास की सारी दुकानें हट चुकी हैं, लेकिन मंदिर अभी नहीं हटाया गया, क्योंकि फ्रेंड्स अभी गवर्नमेंट का कोई आदेश नहीं है और मंदिर कहीं पर बन भी नहीं रहा है। बनने के बाद ही यहाँ से हटाया जाएगा। तो देखिए चंदासी इलाका पूरा, घर तक पूरा काम हो चुका। सर पूछिए तो ये रोड 325 करोड़ के लागत से, 28 करोड़ के लागत से बनाया जा रहा है, लेकिन ये सच पूछे तो जाम को निजात ले जाने के लिए बन रहा है। ये पूरा काम ही काम, अब ये बस चलेगी। तो बदल गया दुल्हीपुर, मुगल सराय पड़ा सब कुछ। अभी भी धूल उड़ रहा है देखिए। बीच में भी बहुत सारे काम होने बाकी हैं, जैसा कल की वीडियो में दिखाया कि पीछे का फ्रेंड्स यानी दुल्हीपुर से पड़ाव का काम जो है वो हो गया है, अब पत्थर लगने शुरू हो गए हैं, जो डिवाइडर वाले पत्थर थे वो लगने स्टार्ट हो गए, लेकिन इधर का जो काम है अभी बहुत धीरा है, बहुत पीछे, तो एक साल और खपेगी। दो हज़ार 25 बीते बीते सारा काम फाइनल हो जाएगा ऐसा अनुमान है। उधर भी
चंदाती का मेन अंडरपास सीवेज वाला जो कि अभी तक नहीं बन पाया और यहाँ काफ़ी कम चौड़ा रोड है, तो यहाँ पूरा बनना बाकी है अभी। इधर का देखिए काम तो लगभग कंप्लीट है, इधर थोड़ा बहुत विक्रम सिंह कन्या महाविद्यालय के पास तक। और उस साइड का रोड अभी बनना बाकी है। तो चंदासी में विक्रम सिंह कन्या महाविद्यालय के ठीक सामने से फ्रेंड्स ये काम स्टार्ट हो चुका है, ढलाई वाला पूरा। तो ये देखिए जो अतिक्रमण था उसे धीरे धीरे हटाया जा रहा है और एक साइड रोड भी बन रहा है, यानी एक साइड रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, दूसरी तरफ काम हो रहा है। तो पूरा जो आईपी मुगल माल है इसके ठीक सामने फ्रेंड काम होने लगा, तो उस तरफ बहुत ही काम हो रहा है, मशीनें लग चुकी हैं और ढलाई वाला काम बाकी है। तो चंदासी से लेके तनिष्क तक यहाँ तक ढलाई होना है रोड का, और यहाँ से अंडरपास बना जा रहा है जो कि अभी कंप्लीट नहीं। ये देखिए लक्ष्मी कमल लान तक खुदाई शुरू। देखिए ये हो रहा है और इधर ये हो रहा है। अभी छठ पूजा आने वाला है दिवाली बाद, तो दिवाली के समय और भी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जाम काफ़ी रहेगी। फिर इधर पूरा इतना बुरा हाल हो गया है। सारा पेड़ कट के हट गया है, तो एक साइड का रोड जो है एकदम से बंद कर दिया गया है और दूसरी ओर से गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं। देखिए घर भी एक्शन शुरू है, बहुत सारा काम इधर भी हो रहा है फ्रेंड्स। उधर का रोड ही गायब एकदम, जो मूर्तियां बनती थी पूरा रोड ही खन दिया गया, खन के काम चालू है, उधर रोड बनना है। उधर मूर्ति बनता था जो कि अब इसे भी हटा दिया जाएगा एकदम, इन लोग का जब जगह जो था वो ख़त्म हो जाएगा। इधर देखिए इधर नाली बनना स्टार्ट बन चुका है, मंदिर देखिए एकदम रोड पे है, इसे भी हटना पड़ेगा। पड़ाव से ले के मुगलसरा तक हिंदू टेंपल जो है वो कम से कम फ्रेंड्स आपको 7 से 8 मिल जाएंगे छोटे बड़े लेकर, और मज़ा 2 से 3 5 कह सकते हैं। इधर एकदम बहुत ही ज़्यादा एक्शन है मैं बस्ती में, देखिए ये सब पूरा हटाया जाएगा आज के समय में। तो नई बस्ती तक बहुत ही ताबड़तोड़ काम हो रहा है और इधर वाले लोगों के कोई खौफ नहीं है फ्रेंड्स, देखिए इधर कोई कुछ भी नहीं कर रहा अपना,
तो इधर भी जल्द ही एक्शन शुरू होने वाला है, कोई टाइम नहीं ज़्यादा। इधर बीच में थोड़ा छोड़ के और आगे से एक्शन शुरू है, आइए दिखाते हैं। ओके, यहाँ से एक्शन शुरू हो गया और नाली का काम जो है वो स्टार्ट हो गया। इधर भी देखिए पूरा, पूरा एक्शन शुरू है। इधर भी नाली भी बन गया है, कहीं कहीं यह गुरुद्वारा उसके ठीक सामने आ चुके हैं। और ये पूरा जो एरिया है ये सारा का सारा फ्रंट टूटने वाला है। देखिए रोड पर ही पूरा घर है, तो एकदम से मार्केट गायब होने वाला है मुगलसराय का। सिक्स लेन बनेगा तो फोर लेन में काफ़ी कम जाएगा, इतना नहीं नुकसान होगा। और यहीं से ब्रिज की शुरुआत होगी कहा जा रहा था। सुभाष पार्क हम आ चुके हैं, तो यहीं से ब्रिज बनेगा फ्रेंड्स। और ये टंकी क्या होगा बड़ा वाला, ये भी गायब हो जाएगा, जो कि लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए हैं। मुगलसराय का पूरा एरिया सब्जी मंडी आने वाला है। इधर सारा सब्जी मंडी है, ये सब पूरा गायब हो जाएगा। सुबह सुबह 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पर देखिए भीड़ लग चुका है पूरा, कई दुकान लगे भी नहीं, लोग आ चुके हैं। अपना सब्जी मंडी मुगलसराय का सबसे बड़ा सब्जी मंडी इधर का, गाड़ी से माल आता है सुबह सुबह। ये पूरा मार्केट देख सकते हैं, ये सारा का सारा फ्रेंड गायब होने वाला है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो फिर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ा सा और देख लीजिए, ये सारा जो मार्केट है फ्रेंड देखिए एकदम रोड पे ही। देखिए अगर यहाँ फोर लेन बनेगा तो क्या हाल होगा इसका, आप समझ जाइए कहाँ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द गायब होने वाली हैं, देख लीजिए आखिरी बार, दिवाली बाद सब गायब हो जाएगा।